बैठले कौन 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 लोग वो बहुत पुलिस है बहुत उजरानी वाला छे कथी छे डीएसपी छे की से गेट तोड़ के निकाल ललक मारे लगे एक जो मारा लगल किनको किनको मारे बेटा क्या नाम है एक जो मारा लगल से कनिया दौड़ के अल अंगना से अल से एक देह पर पड़ रहा पहले दू सटका ओकरो लागि गेलै ओ लागि गेलै एकरा उठा उठा के अंगना लऽ गेली छोड़बे नहि करै छलै अंगना लऽ गेली आ गेट बन्द कऽ देलियै तकर बाद गेट तोड़ि कऽ अंगना घुसि गेलै जे रूम मे ई सुतै है दक्षिण वरिया मे ओहिमे घुसि गेलै हम सुतै छियै तै रूम मे घुसि गेलै ओहि रूम मे सँ मोबाइल लऽ कऽ गेल ओहि रूम मे सँ मोबाइल लऽ कऽ चलि गेलै ओहि रूम मे से असोरा पर एकदम गदमद करैत सबटा सबटा गदमद करैत वही जो हमर कनिया जो बजलै है ना वही पर दू सटका ओ कनिया के मारि छुटि गेलै बड़की कनिया है अजय के कनिया हाँ तब ओत सब निकलै है हमारा नाम हमर नाम है सुशीला देवी वार्ड संख्या तो आप देख सकते हैं इस पत्थर का इस्तेमाल किया गया था मारने के लिए ये पत्थर जो है पुलिस के द्वारा फेंका गया है क्या आप सोच सकते हैं पत्थर का यूज इस ईंटे का यूज पुलिस कर सकती है वो भी आज मतदान है इस मतदान के अवसर पर खबर आसपास मैं विष्णु सिंह आज हम मौजूद है पलवार गांव वार्ड नंबर 18 में मैं आपको बता दूं आज मतदान है नगर निगम आज 9 तारीख है नगर निगम का आज मतदान है मतदान में ही एक बड़ी हिंसा आज देखने को मिली है वो भी प्रशासन के द्वारा पुलिस के द्वारा कथित तौर पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक परिवार जो है इस समय पलवार गांव में है और मौजूद है पलवार गांव में हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे क्या हुआ इनके साथ क्या नाम हुआ आपका मेरा नाम विनय कुमार हुआ कैसे क्या हुआ बताएगा पूरे समय का था लगभग 11:30-12 बजे के आसपास था मतदान अच्छा खासा चल रहा है कहीं पे कोई दिक्कत नहीं था हम यहाँ दलान है ये मेरा देखिए दलान है दलान में हम बैठे हुए थे बैठ के मोबाइल देख रहे थे हमारे साथ दो लड़का और था संयोग से वो दोनों चला गया वोट दिया ने हमको बोला कि आप यहीं पे रुको हम आप सामने वोट दे देना हम यहाँ पे बैठे हुए हैं उधर से जो है ना सायरन बजता हुआ आया गाड़ी रुका एकदम से खूब स्पीड में और अचानक से गाड़ी रुका गाड़ी रुकने के बाद लगभग हमको लगता है 100-150 SDO के साथ में आपसे बेधड़क आपसे कुछ पूछा नहीं कुछ भी नहीं हम ही से नहीं किसी से भी कुछ नहीं पूछ रहा था जिसको जहाँ जो मिल रहा था लेडीज हो बच्चा हो कुछ भी हो अंधाधुन फायर पहचान पाए कौन से अधिकारी थे हाँ अश्विनी कुमार था SDO साहब सदर SDO कौन नहीं जानता है उसको और भी बहुत सारे थे लगभग हमको लगता है कम से कम 150 के आसपास उसके साथ क्या नाम हुआ मेरा नाम विनय कुमार हूँ वार्ड कौन सा 18 कितने दिनों से मर रहे हैं मैं यहाँ पे जो है ना 2021 से हूँ उससे पहले मैं दिल्ली में रहता था राजनीति से आप कोई लेना देना नहीं विनय कुमार हमारे साथ मौजूद है और इन्हें कथित तौर से बहुत बुरी तरह पीटा गया है जो कि इन्होंने मैं आपको दिखाने की कोशिश भी करूंगा विजुअल में आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है इन्हें मारा गया है आप पीठ पर जो है निशान देख सकते हैं और साथ साथ जो है वो कमर पे और बहुत सारे ऐसी जगह पर ये निशान है कितनी बुरी तरह जो है इनको यहाँ पर पीटा गया है तो मैं आपको बता दूं सदर SDO अश्वनी कुमार के ऊपर विनय जी का आरोप है वैसे भी इससे पहले भी सदर SDO अश्वनी कुमार के ऊपर कई तरह के मारपीट के पहले भी आरोप लगते आ रहे हो फिर चाहे वो कृषि पदाधिकारी का मामला हो या कोई डीलर का अन्य मामला हो इस तरह के जो है मामले लगातार बढ़ रहे हैं मधुबनी में कहीं ना कहीं प्रशासन जो है जनता की रखवाली के लिए होती है लेकिन प्रशासन ही जब जनता को पीटने लग जाए क्योंकि कथित तौर पर कहा जा रहा है कि इनका घर जो है वो पलवार जहां पर आज वोटिंग हो रहा है यानी मध्य विद्यालय उससे मात्र 50 मीटर की दूरी पर है तो यदि इनका घर 50 मीटर की दूरी पर है तो क्या ये अपने घर छोड़ के भाग जाए क्या घर में ना रहे क्या घर में रहना अपराध हो गया अगर घर में रहना अपराध हो गया फिर तो सभी स्कूल के आसपास जहां वोटिंग होगी वहां पर लोग अपना घर बेच बेच के भागना शुरू कर देंगे पर जो है आपको क्यों लगता है कि आपको आपके ऊपर पीटा गया आपको हमला किया गया देखिए नहीं सुनो कहीं वोट में छो कहीं मैं बोले कहीं बात कर छो तो समझा जाए तो बहुत बड़ी राजनीति का अड्डा कहा जाए जो प्रशासन को राजनीति के कारण ऐसा हुआ राजनीति का तो पूरा असर है कारण देखिए ये जो क्षेत्र है यादव का क्षेत्र है और यहाँ जाहिर सी बात है कि यादव का क्षेत्र है तो यादव के लिए वो तैयार रहेगा और यादव
सारे अपने जो तैयार किए हैं वो बहुत ही अच्छे उम्मीदवार को तैयार किए हैं। दूसरी नंबर, यहाँ मान लीजिए आज जो भी घटना हुआ है इसमें पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा अत्याचार है। ऐसा अत्याचार मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा था और हमें नहीं लगता है कि आगे देख पाऊंगा। दूसरी नंबर, अगर SDO अश्विनी कुमार आगे आकर के और पुलिस प्रशासन के साथ मिल करके इस तरह से मुठभेड़ किया तो ये तो बहुत बड़ी दर्दनाक है। इससे बड़ा दर्दनाक घटना नहीं हो सकता है। 3 साल का मासूम बच्चा है इनका, उसके ऊपर लाठियां चला, ये कहां का इंसाफ है? तो आप देख सकते हैं ये बच्चा है 3 साल का जिसके ऊपर लाठी का जो है प्रहार किया जाने लगा, लेकिन इनके पिताजी ने पकड़ के लाठी को रोक लिया जिससे कि बच्चा बच गया। तो आप सोच सकते हैं ये पुलिस की बर्बरता को दिखा रहा है, मधुबनी प्रशासन के ऊपर एक सवालिया निशान उठा रहा है। और क्या बोलना चाहिए, मौजूद है हमारे साथ यहाँ के इस घर के मालिक, क्या नाम हुआ? महेंद्र प्रसाद यादव। महेंद्र जी, ये किस तरह की घटना हुई, क्या लगता है? एडवोकेट है सिविल कोर्ट मधुबनी में। आप एडवोकेट हैं? जी हाँ। आपका घर स्कूल के पास था, इस कारण आपके साथ ऐसा हुआ? जी ऐसा ही हुआ है। या कोई राजनीतिक कारण है? राजनीति तो हम नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं। हम लोग नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं। वोट गिराने के लिए स्कूल गए बूथ पर, वहाँ से आ रहे थे तो हमको जो है सो जबरदस्ती उधर भेज दिया, गाछी की तरफ, इधर घर नहीं आने दिया। और यहाँ जो है SDO अश्विनी कुमार, सदर SDO, SDM और DSP, SDPO दोनों आदमी 50-60 पुलिस वालों को लेके हमारे घर में घुस के पूरा दलान का जो है तोड़ दिया है, दिलैया तोड़ दिया है रूम का। घर में घुस के हमारी पत्नी को, हमारी पुत्र वधु को, पोता को, सबको मार पीट के सीधा कर दिया। 3 साल का बच्चा है हमारा पोता, हमारा मोबाइल जो है। अब आप महेंद्र जी क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं उस पर कानूनी कार्रवाई हो, उचित कानूनी कार्रवाई हो, और नहीं होगी तब संविधान है, कानून है, हम तो बैठे नहीं रहेंगे, धरना पर बैठ जाएंगे, जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा आक्रोश है, यहाँ हम लोग धरना पर बैठेंगे। यहाँ के लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के साथ अन्याय हुआ है, जो है वोटिंग हो रहा है, हो रहा था, हो रहा है अभी तक, उसमें इस तरह के दानवी कार्रवाई करने की क्या जरूरत आन पड़ी इस SDO को? मोबाइल तो रूम में से उठा के ले गया है, चमकाते हुए ऐसे करके ले गया है, हम थे गाछी में खड़ा, हम क्या जानते हैं कि हमारे रूम में, हमारे घर में घुस के इस तरह से दानवी यदि कर रहा है, तांडव कर रहा है ये SDO। तो आप देख सकते हैं कितना जो है प्रशासनिक पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा कितनी बर्बरता, पदाधिकारी होता है जनता को रौंदने के लिए, बर्बरता जो है दिखाई गई है हमारे साथ SDO DM है जनता को रौंदने के लिए, कि जनता की रक्षा करने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र प्रसाद यादव। डॉक्टर, इस तरह की जो घटना हुई है आज, जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने बर्बरता से इस परिवार के ऊपर जो हमला किया है, ना केवल इस परिवार के बल्कि आसपास के जो भी लोग हैं उनको बिना देखे समझे लाठीचार्ज किया गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बिना कसूर मुझे तो पहले पता था यह SDO अच्छा व्यक्ति है, लेकिन इसके दो कारणों से मुझे लगा कि घर में महिलाओं पर दिन में या बिना किसी को पूछे अंदर जाने से बजाय पुलिस को रोकने, ये लोग एक जात विशेष का पदाधिकारी होने के नाते इस अश्विनी कुमार ने अपने शपथ जो संविधान के खाके इसने नौकरी लिया था उसको कलंकित किया। ये तमाम जितना भी दारू माफिया है, जमीन माफिया है, उसके साथ मिला हुआ है, और जो भी शहर में हत्या होता है उस सब में ये लोग पैसा बांटता है आपस में, इसीलिए ऐसे चरित्रहीन पदाधिकारी को सजा होना चाहिए, इसको जेल होगा। और महिलाओं पर जिस तरह से बर्बरता का इसने तांडव नृत्य किया है, अगर हमारा बस चले तो हम महाभारत की तरह हथियार उठवा देंगे और इसके भी वंश को हम लोग सही चैन से जीने नहीं देंगे, जिस तरह का कुकर्म इस SDO अश्विनी ने किया है। ये केवल दारू माफियाओं का रुपया बोलता है और उससे ये 100% मिला हुआ है। लोकतंत्र का गला घोटने का अधिकार ऐसे कमीने पदाधिकारी को जनता या लोकतंत्र संविधान में नहीं दिया गया है। मानवता जहां भी चीखेगी वहां पर इंसानियत जगेगा, और जहां धर्म पराजित होने लगेगा वहां पर हम लोग अपना अपना हथियार भी उठा सकते हैं। और ऐसे कमीना पदाधिकारी को सच्चाई जानने के लिए चुनाव आयोग को आना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा आंदोलन छिड़ेगा।
तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमने बात की। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और कमेंट अपना जरूर करेंगे, क्योंकि ये घटना आपके परिवार के साथ भी हो सकती है। प्रशासन की इस बर्बरता के ऊपर संज्ञान लिया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। हम अपने चैनल के माध्यम से और लोगों के माध्यम से भी यही कहना चाहते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।